तो गाइस आज की वीडियो में बताने वाला हूं स्पेशल क्यों है। एक यहां पे हमारे पास है मोबाइल प्लेयर ओवरपावर गिल्ड से मीना सर्वर से, और गाइस उनका 1v4 गेम प्ले है। और अगर आप लोग इस वीडियो पे 60 के लाइक्स कंप्लीट कर देते हो तो एक इंटरेस्टिंग मैच होगा इंडिया वर्सेस मीना। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक्सगोड का वीडियो डाला है, वो 11 साल के बच्चे आईपैड प्लेयर है, तो उन दोनों का 1v1 होने वाला है। आप लोगों को बताया कि BR999 डेजर्ट ईगल में कितना ओपी है, आपको वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। और एक अच्छी न्यूज ये भी है भाई, बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे गिल्ड रिक्वायरमेंट क्या है। गाइज अब आपको सिंपली मैं बता देता हूं करना क्या है। आप लोगों की वीडियोस पे मैं खुद कमेंट करूंगा, मेरे को अच्छी लगेगी। आप लोगों को अपना 1v4 का फुल गेम प्ले, अगर फुल मैप है फुल मैप, अगर आपका क्लैश स्क्वाड है तो क्लैश स्क्वाड आप लोगों को अपलोड कर देना यूट्यूब पे। टाइटल आप लोगों को रखना है गाइज हैशटैग नॉनस्टॉप गेमिंग, सिर्फ यही टाइटल रखना है और मेरे को नोटिफाई हो जाएगा वो। आप लोग वीडियो पे मैं कमेंट करूंगा, अच्छी लगेगी, बताऊंगा भाई कि आप लोग इंप्रूव कर सकते हो, बेटर कर सकते हो। तो आज की वीडियो स्टार्ट कर दे गाइज। तो सारे बंदे भाई लाइक मत भूलना, 60 के लाइक्स का एक्स गोड वर्सेस BR999 नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। तो चलिए गाइज आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और तो गाइज BR999 यहाँ पे है और उनके गिल्ड मेट्स भी उन्हीं के अपोजिट में है और गेम भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं भाई BR9 कैसा यहाँ पे खेलते हैं। चलिए गाइज आगे बढ़ते हुए यहाँ पे BR999 और देखते हैं भाई, और सामने वाले प्लेयर्स भी सेम ही एबिलिटी यहाँ पे यूज कर रहे हैं और एक प्लेयर को यहाँ पे हेडशॉट लगा दिया है। जी गाइज एक प्लेयर को यहाँ पे हेडशॉट लगा चुके और एक और प्लेयर को यहाँ पे हेडशॉट बैक टू बैक भाई, एक और हेडशॉट। जी गाइज एक मोबाइल प्लेयर यह है यहाँ पे BR999 और यहाँ पे क्वाड्रा किल। जी गाइज फर्स्ट गेम में ही 4 हेडशॉट्स यहाँ पे लगा दिए, अमेजिंग। तो चलिए गाइज यहाँ पे एक और राउंड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और इस बार देखते हैं भाई क्या इस गेम में रहने वाला है। लेट्स सी। अरे भाई साहब, जी गाइज यहाँ पे ओनली रेड यहाँ पे लगा दिया है और देखते हैं भाई कितने प्लेयर्स को लगाने वाले यहाँ पे, क्या इस राउंड में भी यहाँ पे बाजी मारने वाले हैं। फिर से यहाँ पे रेड लगा दिया। लेट्स सी गाइज एक और प्लेयर को भाई बैक टू बैक यहाँ पे हेडशॉट्स और यहाँ पे स्क्वाड यहाँ पे फिनिश। भाई कितने सेकंड्स लगे स्क्वाड को फिनिश करने में। और गाइज यहाँ पे बाहर वाले प्लेयर्स के लिए एक बेनिफिट भी रहता है क्योंकि बाहर वाले जितने प्लेयर्स होते हैं अगेंस्ट में भी स्पैम में नहीं स्पैम तरीके से नहीं खेलते, हालांकि स्पैम खेलना बिल्कुल भी गलत नहीं है भाई, बट इन लोगों के लिए बेनिफिट है। वरना हमारे सर्वर में होते तो भाई मतलब आप लोगों ने देखा होगा एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट पे भाई कैसे मतलब बंदे टूट के पड़े थे एकदम से। और देखते हैं BR9 को, और थाईलैंड में भी सेम ही होता है, जब थाईलैंड में गुट्टू का वीडियो, जी गाइस गुट्टू का 1v4 करने के लिए गया था तो स्टार्टिंग में वो बंदे वही कर रहे थे 1v1। भाई क्या हेडशॉट मार रहा है भाई इस बंदे का, क्या एक्यूरेसी लेवल है भाई। एक्सगोर्ड का हेडशॉट 91% है गाइस। भाई एक और हेडशॉट, मेरे को लगता नहीं भाई इनका स्क्वाड यहाँ पे इनका गिल्डमेट यहाँ पे टिक पाएंगे और लास्ट वाले प्लेयर को हेडशॉट। भाई टाइम ही नहीं लग रहा है स्क्वाड को फिनिश करने में, कितना गंदा मार रहा है भाई ये बंदा। भाई 3 राउंड्स में तो बहुत ही खतरनाक यहाँ पे खेला है गाइस, मतलब मानो कि यार एकदम से हैकर जैसा लग रहा है बंदा। 3 राउंड में इतना गंदा मारा है, ओनली हेड 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 हेड, क्योंकि अगर आपके सामने 4 बंदे वैसे भी खड़े हो भाई इजी नहीं होता हेड, चाहे वो खुद भी वो खड़े हो गया जाए। और ये तो इनके गिल्ड के प्लेयर्स हैं, हालांकि बस एक ही बहने भाई। फिर से हेडशॉट या डेजर्ट ईगल, मैं बोला था गाइस इसका कंपटीशन गुट्टू से किया जाने लगा था क्योंकि इसने पीसी प्लेयर्स को इतना अलग लेवल मारा था ना। और फिर से यहां पे एक और हेड, चलो भाई इस बार एचपी कम हुई है बट भाई स्काइलर यहां पे यूज कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं होने वाली है, मतलब एचपी का कोई इतना ज्यादा सीन नहीं होने वाला। बट देख लेते भाई 2 प्लेयर्स को यहाँ पे फिनिश कर दिया, मतलब नॉक यहाँ पे कर दिया भाई, हेड के अलावा कुछ मार ही नहीं रहा है भाई बंदा। लो भाई इस प्लेयर को भी यहाँ पे हेडशॉट, एक ही बंदा बचा है यहाँ पे लास्ट प्लेयर। देखते हैं मेडिकेट यहाँ पे करते हैं, जी गाइस मेडिकेट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लास्ट प्लेयर को हम लोग देखते हैं कहाँ पे होने वाला है। ओके लास्ट प्लेयर मिल चुके यहाँ पे, ये भी गो भाई, ये कैसे चूक गया ये वाला शॉट मतलब अरे भाई साहब। गाइस बताना आप लोगों को इस बंदे का गेम प्ले कैसा लगा, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे कि भाई मोबाइल प्लेयर लेके आओ मोबाइल प्लेयर लेके आओ, तो एक बहुत ही खतरनाक मोबाइल प्लेयर हम लोग लेके यहाँ पे आ चुके। और यहाँ पे हेडशॉट भाई साहब, जी गाइस बंदा यहाँ पे कवर से निकला, अगर एमपी चला दी तो सीधा हेडशॉट भाई एक्सकोड वाला है।
अगर बंदा कवर से निकल गया तो भाई हेड के बिना तो जाने वाला नहीं है वो बंदा। टैलेंटेड लग रहा है बंदा, मतलब जिस तरह के इसके हेडशॉट है ना, और डेजर्ट ईगल तो भाई अलग ही लेवल। हेलो ट्राई करेंगे अगर हो पाए तो गाइस, गुट्टू के अगेंस्ट भी यहाँ पे इस बंदे के कराने का फिर से यहाँ पे हेडशॉट भाई, नेक्स्ट लेवल भाई। भाई साहब इस बार यहाँ पे डैमेज पड़ा और स्पीड काफी सही है भाई, स्पीड देख रहे हो भाई कितनी खतरनाक है। मतलब ये बंदा ना स्पीड को मैनेज करना अच्छे से जानता है, समझ रहे हो ना गाइस, कि जिस तरीके से बंदे रश कर रहे हैं उसी हिसाब से अपनी स्पीड को, मूवमेंट स्पीड को मैनेज करना जानता है। चलिए गाइस, और लेकिन इस बार यहाँ पे थॉमसन से फिनिश अप कर दिया है जी गाइस, कमबैक यहाँ पे किया है आफ्टर 4 राउंड्स के बाद में। गाइस वैसे तो आप लोग वैसे ही समझ जाना चाहिए कि अगर एनजी या ओवर पावर में कोई भी मोबाइल प्लेयर आ रहा है तो वो किस लेवल तक हो सकता है, वो तो आप लोग समझ जाना चाहिए एक्सोड की वीडियो से। मोबाइल या आईपैड प्लेयर अगर कोई आ रहा है भाई, एक प्लेयर को यहाँ पे हेडशॉट स्कोप इन करके जी गाइज। और गाइज यहाँ पे BR999 का भाई चैनल लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लोग मिल जाएगा, तो भाई लोग सारे बंदे एक साथ एक प्यारा सा कमेंट कर देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो BR999 को भी। 100K वो बहुत क्लोज है, तो अगर ये गिफ्ट आप लोग देना चाहोगे भाई तो बहुत ही ओपी यहाँ पे रहेगा। बट लेट्स सी, अरे भाई साहब इस बार धोखा हो सकता था भाई, सामने वाले प्लेयर्स भी एबिलिटी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे बैक ऑफ यहाँ पे BR9 किया और यहाँ पे इस राउंड में भी यहाँ पे फिनिश ऑफ हो चुके हैं गाइज, स्कोर यहाँ पे हो चुका है 4-2 गाइज। मतलब यहाँ पे BR999 ने भाई अपने बंदे बंदे को डायमंड वायमंड तो नहीं दे दिए ना भाई, मेरे को मानना मत, बट कुछ भी बोलो गाइज यहाँ पे जो एक्यूरेसी लेवल है वो बहुत सही है, चाहे वीडियो एक ऐसा भी हो BR9 ने मेरे को सेंड किया और जब मैंने देखा तो मेरे को वाकई में काफी अच्छा लगा जो एक्यूरेसी यहाँ पे बंदे की, क्योंकि मोबाइल प्लेयर के लिए दैट्स नॉट इजी कि आप लोग भाई 4 में से 4 हेडशॉट, और हेडशॉट ही लगाया था लेकिन भाई साहब अब यहाँ पे नाराज हो गए हैं इसके गिल्ड वाले प्लेयर्स, और एक ओपी सा M1014 का यहाँ पे हेडशॉट रख दिया है और कमबैक भी यहाँ पे किया गाइस। और गाइस आप लोग बताना भाई कि अरे भाई साहब एक आते ही यहाँ पे नोक भाई, बट पूरा फिनिश नहीं किया, आई थिंक रिवाइव यहाँ पे दे देंगे या फिर नहीं देंगे देखते गाइस, क्योंकि मैं इस बार इस कस्टम को नहीं संभाल रहा हूं। चलिए लेट्स सी, और रिवाइव यहाँ पे दे दिया, रिवाइव तो यहाँ पे दे दिया गाइस। आप लोग कमेंट करके बताना भाई कौन कौन से प्लेयर के साथ यहाँ पे ओनली डेजर्ट यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि इस बंदे की डेजर्ट काफी ओपी है गाइस, काफी खतरनाक यहाँ पे डेजर्ट ईगल, और शॉटगन के साथ है यहाँ पे M1014 कि हम लोग इसके भी हेडशॉट देखने के लिए मिलेंगे। लेट्स सी गाइस, और यहाँ पे UMP स्विच की गई है, स्विच करके यहाँ पे ट्राई किया गया, अरे भाई साहब लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, और यहाँ पे एक प्लेयर को तो नॉक कर चुके हैं जी गाइस, एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक डाउन कर दिया गया और स्पीड भी काफी सही है भाई मेरे हिसाब से, अगर मोबाइल प्लेयर है जिस हिसाब से अपने आपको मैनेज कर रहे हो काफी सही। और आप लोगों ने गाइस ऐसा नहीं कि ये प्लेयर फर्स्ट टाइम है, स्ट्रीम पे इतने बार ये बंदा खेल चुका है, आप लोगों ने देखा होगा 2-3 दिन लगातार ये बंदा खेला था भाई, ओनली डेजर्ट जो इस बंदे ने चलाई थी, तो बहुत सारे बंदे तो वहीं पे फैन हो गए थे भाई। बट लेट्स सी अभी देख लेते गाइस, 1v2 यहाँ पे फाइट रहने वाली है, और यहाँ पे भाई ओनली रेड के अलावा दिख ही नहीं रहा है, बहुत ही कम हम लोगों को बॉडी ढूंढने के मिल रहा है, हालांकि मोबाइल पेस अगर कोई हो ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस वाले गेम में तो भाई हेडशॉट के अलावा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। स्कोर अब यहाँ पे हो चुका है 5-3 जी गाइस। चले गए एक बार फिर से, और हाँ गाइस एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे बंदे बोल रहे हो भाई आपकी गिल्ड कैसे ज्वाइन करें, आप लोग करना कुछ नहीं गाइस, मैं डेली यूट्यूब पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाला हूँ, आप लोगों को हैशटैग नॉनस्टॉप गेमिंग टाइटल रखना है, अपना 1v4 का गेम प्ले अपलोड कर देना है, ठीक है, इस चीज को मैं स्टार्टिंग में भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। और भाई साहब खतरनाक यहाँ पे जी गाइस, बहुत ही खतरनाक हेडशॉट यहाँ पे, लेट्स सी एक प्लेयर को यहाँ पे हेडशॉट लगा चुके हैं, और डेजर्ट ईगल मेरे को लग रहा है ओनली डेजर्ट ईगल भी ये चैलेंज करे तो तब भी जीतने के चांसेस इस बंदे के रह सकते हैं जी गाइस, क्योंकि जिस हिसाब से बंदा डीगल यहाँ पे चला रहा है वो नेक्स्ट लेवल है गाइस, बैक टू बैक हेडशॉट हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। और लेट्स सी भाई वो बंदे का लैग कर रहा है, कुछ इंटरनेट इशू शायद मेरे को लग रहा है, हो सकता है बट उसका फायदा होगा या नुकसान होगा BR999 को वो देखते हैं। अभी 3 प्लेयर्स यहाँ पे बचे हैं सामने जी गाइस, लेट्स सी। और अरे भाई साहब लेकिन ये बंदे का इंटरनेट गया भाई, ये बंदा भाई किस जगह फायर कर रहे हो आप, इस जगह फायर कर रहे हो, अरे भाई साहब इस प्लेयर को यहाँ पे लगा दिया, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज यहाँ पे हो चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे 25 HP यहाँ पे बची है, बट इनके पास है स्काइलर तो भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए लेट्स सी, और लेकिन यहाँ पे इस बार ये वाला शॉट यहाँ पे मिस कर दिया, और इसका फायदा यहाँ पे कडाब्रा यहाँ पे फायदा उठा चुके हैं, और भाई बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं अब इस गेम में।
तो चले गए यहां पे देखते हैं भाई, और बंदे हैं यहां पे, लेकिन इस बार शॉट यहां पे नहीं पड़ रहा है डैमेज यहां पे, लेकिन एक प्लेयर को यहां पे हेडशॉट दे दिया जी गाइस, एक प्लेयर को हेडशॉट यहां पे लगा चुका और दूसरे प्लेयर को भी। मतलब स्टार्टिंग में इनके लिए ना इनिशियली नोक निकालने इजी है भाई डेजर्ट ईगल से, मतलब क्या ही लेवल के यहां पे कॉन्फिडेंस है भाई। डेजर्ट चला दिया तो समझो एक दो किल्स यहां पे आ गए। और गाइस ये बंदा फुल मैप भी खेलता है, सीएस भी खेलता है, ऑलराउंडर है मतलब ये बंदा। भाई एक और हेडशॉट, क्या ये वाला राउंड बिल्कुल डेजर्ट से ही फिनिश करने वाले, और डेजर्ट से ही फिनिश कर दिया भाई, क्वाड्रा किल विद डेजर्ट ईगल। चले गए इसके यहां पे लास्ट भाई, यहीं पे खत्म हो सकता है। 6-4 यहां पे स्कोर हो चुका है गाइस, और देखने वाली बात रहेगी क्या 7-4 से यहां पे बाजी मारेंगे, क्योंकि मोस्टली क्लोज मैचेस ही हम लोग यहां पे देखने को मिलते हैं 1v4 में। और एक प्लेयर को यहां पे हेडशॉट यहां पे दे चुका है डेजर्ट ईगल सी गाइस, भाई सब डैमेज इस बार हेडशॉट यहां पे पड़ा है, हेलमेट यहां पे डैमेज हुआ है, फार्मर्स का हेडशॉट, और भाई साहब एक और प्लेयर को यहां पे हेडशॉट लगा चुके हैं जी गाइस, दो ही प्लेयर बचे हैं। सामने वाले बंदे भी थोड़ा मतलब एक बंदे को तो रिवाइव दिया है, थोड़ा फार्म हाउस और वन टैप वाली ही गन यहां पे मोस्टली प्रीफर कर रहे हैं और वन टैप ही लगा रहे हैं। हालांकि फार्म हाउस वन टैप पे नहीं आती, बट जब से वाइट 444 ने चलाया भाई उसको, वो भाई उसी में बंदे उसको काउंट करने लगे। पहले राउंड में डेजर्ट ईगल को छोड़ के भी फार्म हाउस बंदे ले लेते हैं, और मेरे को लग रहा है दो ही बंदे अब यहां पे बचे हैं जी गाइस, ये अभी को और इसको भी रेड। हालांकि भाई गिल्ड वालों को भाई, और यहां पे फिनिश ऑफ कर दिया 7-4 से गेम में बाजी मारी है। हालांकि गाइस मेरे को पता नहीं सामने वाले बंदे भाई किस तरीके से यहां पे खेले हैं गिल्ड प्लेयर्स, बट जहां तक की बात है BR999 की बात की जाए तो पहले भी हम लोग इनका गेम देख चुके हैं, अलग ही लेवल यहां पे रहा है जी गाइस, बहुत ही ओपी। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, सारे बंदे स्ट्रीम को लाइक वीडियो को लाइक कर देना, स्ट्रीम याद आ रहा है, और चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सकोड वर्सेस BR999 का जो चैलेंज यहां पे होने वाला है, कितने एक्साइटेड हो आप कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।